सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एमटीपी राइडर यस। वेल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो गाइस आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो फिलहाल को आज हम जा रहे हैं गाइस एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने के लिए, और आज हम पहली बार गाइस शाम को निकले हैं ब्लॉग बनाने, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और हमारे साथ जा रहे हैं गाइस हमारे अनमोल भाई जो कि चल रहे हैं पीछे, इनको बुलाते हैं आगे और आपको मिलवाते हैं। तो कैसे अनमोल भाई? सब बढ़िया भाई, है ना? तो कहना चाहोगे कुछ हमारी ऑडियंस को? सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट दिखाओ गाइस, है ना? सपोर्ट जल्दी से जल्दी बन के करवाओ, अब तो और कुछ खतरनाक रहा है। हाँ गाइस, अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस 700 सब्सक्राइबर के लिए। बस अब 300 और चाहिए गाइस बन के लिए, तो जल्दी से जल्दी हो जाए तो बढ़िया है, और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहो बस हो जाएंगे। तो फिलहाल को चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस फिलहाल ये चेक करो, सामने कटोरिया चौराया, ये चेक करो गाइस। चेक करो गाइस व्हीली, वो तो गाइस यहाँ पर अभी आ चुका है हमारा श्रीनाथपुर में स्टेडियम, तो यहाँ हम जाने नहीं वाले क्योंकि इससे हमें लेना देना नहीं है। और फिलहाल को हम जा रहे हैं हाईवे गाइस, और थोड़ा सा रिएक्शन लेते हुए अंदर की तरफ से गलियों से, तो चलते हैं गाइस और रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं मिलते तो, वरना चल ही रहे गाइस हाईवे तो राइड पर तो जाना ही है। और हो सकता है आज हम एक नई लोकेशन भी दिखा दें आपको। अब बजेगी व्हीली, ये ले भाई सिस्टम। मैं रिएक्शन ही देता यार, एक दो थोड़ा तो बिजनेस चलने दो। रिएक्शन चेक करो गाइस, गाइस ये चेक करो खाली रोड्स, जिसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना पीछे का पहिया सही है, ना एक ब्रेक सही है, ना ही मेरी व्हीली। अनमोल भाई से करवाते हैं मेरी, अनमोल भाई अरे ट्राई तो करो, अनमोल भाई तो कहता आती भी नहीं है मेरे को, इसके सारे दोस्त मैं ही नेक लग लाऊं गाइस। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैच्योरिटी वाली राइडिंग स्किल्स तो है एटलीस्ट गाइस, स्टंट्स नहीं आते वो अलग चीज है, इधर के सीधे चलेंगे ना हाईवे ऑफ रोडिंग। तो गाइस स्किल्स अपनी अपनी जगह पर है, स्टंट्स अलग जगह पर है, और जो मैच्योरिटी के साथ राइड करना वो अलग जगह पर है, तो मैच्योर राइडर्स को लेके घूमो ज़्यादा अच्छा है। बाकी फिलहाल को चल रहे हैं और सामने हाईवे आ चुका है, तो हम आज हाईवे पर ही जाने वाले हैं, वहीं राइड होगा, और उधर से एक मंदिर भी पड़ता है गाइस, तो वो भी आपको दिखा देंगे आज हम शायद। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है, लेट्स गो। तो भाई ये चेक करो हाईवे आ चुका है, और यहाँ से चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अरे आप ये ऑफ रोडिंग है गाइस बिना बात की। अब गाइस देख लो गियर वाले का एडवांटेज है, बैठे बैठे चढ़ी जाएगा। लोग कहते हैं गियर का फायदा क्या, ये फायदा है गाइस, फायदा ऑफ गियर्स। हेलो गाइस चढ़ गए एकदम प्यार से, हम गाइस ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, हम ये नीचे वाला हाईवे पकड़ेंगे, फिर ऊपर गाइस रिस्क नहीं दे सकते उतना, ये एकदम परफेक्ट है। सो गाइस फिलहाल को अभी हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं, तो ये व्यू आप चेक करो यहाँ पर से, तो कैसा व्यू आ रहा गाइस हाईवे का बताना कमेंट करके। और यहाँ पर हमारी साइकिल लगी हुई है, और यहाँ बोलो एक साइकिल लगी हुई है, ये व्यू आप चेक करो। और गाइस पीछे सनसेट देखो कितना सही लग रहा है भाई। तो और ये हमारे अनमोल भाई है, तो कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? कुछ नहीं, सब्सक्राइब फिर से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, वीडियोस को शेयर करो गाइस, शेयर ज्यादा जरूरी है हमें, अभी हमें ऑडियंस बनानी है। और गाइस काफी लोग ये कहते हैं कि आप ब्लॉग कम क्यों बनाते हो, तो गाइस ब्लॉग इसीलिए कम आते हैं क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं भाई। गाइस डेली ब्लॉग देंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, और कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, कंटेंट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या फायदा उसका, तो इस वजह से गाइस कम ब्लॉग्स आते हैं।
तो फिलहाल को थोड़ी बहुत देर यहाँ पर मिलेंगे और फोटोज वोटोज लेते जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देखने में मिल जाएंगे। और अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो जा करके फॉलो कर लेना। तो फिलहाल को हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में फोटोज वगैरह ले करके। फिलहाल को अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए और अभी हम हाईवे से नीचे उतरेंगे थोड़ी देर में, और जहाँ पर हम मंदिर जाने वाले थे गाइस, तो वो जो लोकेशन है गाइस वो यही घर पर है, अंदर की तरफ है गाइस। तो थोड़ा सा ये पेड़ वगैरह जो आप देख रहे हो सामने, इन्हीं के कहीं अंदर की तरफ है, तो वहाँ भी हम नहीं जा सकते क्योंकि गाइस अंधेरा हो जाएगा और हम लेट भी हो जाएंगे। तो अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर और कवर करना है हमारे घर के लिए। सामने भी आप देख पा रहे हो लिखा भी हुआ है कोटा 12 किलोमीटर्स, तो अच्छा खासा है गाइस। तो इस वजह से आज हम वहाँ नहीं जा सकते, आज फिलहाल कैंसिल है, किसी और दिन हम आपको ज़रूर से दिखा देंगे। तो फिलहाल को भी चलते हैं और नीचे उतरते हैं। तो गाइस फिलहाल को अभी हम हाईवे से उतरने वाले हैं, तो फटाफट से उतरते हैं और फिर देखते हैं। डाउन हिल आएगा गाइस काफ़ी ख़तरनाक, तो स्पीड अप होने वाला है थोड़ा, और थोड़ी सी हाई पर राइडिंग अब आपको देखने को मिलेगी। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से। और यहाँ डस्ट डस्ट हो चुकी है गाइस, ट्रकों ने धुआं उठा दिया चारों तरफ, धुआं ही धुआं। अरे भाई यार क्या है ये, कहाँ फंस गया? अगर आप कभी आते हो कोटा तो गाइस ज़रूर से विज़िट करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोकेशन है यहाँ पर। और बाकी गाइस हमारे चैनल पर देखने को मिल ही जाएगी आपको कि कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हो, लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो चलते हैं फटाफट से। डाउनहिल चल रहा है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है वैसे तो, ठीक है गाइस स्पीड अप। आगे थोड़ा पब्लिक एरिया आ जाता है इसलिए स्लो करनी पड़ेगी अभी, बट स्टिल गाइस चल रहे हैं। काफ़ी जल्दी कवर कर लिया आई थिंक आज हमने। रोड रिएक्शन देख रहे हो गाइस, ऐसी खींचती है हमारी साइकिल, अट्रैक्ट करती है लोगों को आराम से, हमें भी नहीं लगता गाइस इतना अट्रैक्ट करती है, बट जब ये मॉन्स्टर साथ में चलते हैं ना तो कुछ गलत ही लगती है, बहुत ज़्यादा गलत है भाई, बहुत गलत कसम से। रिएक्शन चेक करो, चल रहे हैं और ये सामने देखो गाइस कितना रश है भाई, सामने देख रहे हैं कितना रश है। अरे यार कहाँ गायब हो गया अनमोल, तो गाइस ये चेक करो गाइस BMW की जगह DMW आने लग गया, ये देखो गाइस मैं भी गाइस जा रहा हूँ DMW खरीदने, DMW का तो क्या फायदा गाइस, कम से कम DMW से अर्न तो कर सकते हैं भाई, BMW का क्या ही फायदा है, BMW के फायदे तो ये ले भाई सिस्टम। तो गाइस फिलहाल को हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं गाइस उबरिया बावड़ी सर्कल, जो कि आपको बताइए यहाँ से मैं मोस्टली हमारा ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो फिलहाल को गाइस हम घर जाएंगे थोड़ा सा आगे से टर्न लेकर के, तो वॉइस ओवर मैं वहाँ नहीं कर पाऊँ, तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर सेंड करता हूँ। होप सो गाइस आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो क्लिक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं। हाँ।